दोस्तों चाहे बात हो पारिवारिक फिल्मों की या फिर सदाबहार डेली सोप्स की, बड़े छोटे पर्दे की एक बेहद कामयाब हस्ती हैं श्रीमती शशि मित्तल जी, जो कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से आज यहां पर नहीं आ पाई हैं, पर उनके योगदान के बारे में और उनके बारे में थोड़ा और करीब से जानने के लिए हम एक बार फिर नजर डालते हैं स्क्रीन पर एक छोटे श्रवण दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल के माध्यम से उनके बारे में और थोड़ा जानना चाहिए। वो रहने वाली महल की सजन घर जाना है जैसे सीरियल्स से छोटे पर्दे पर, और एक विवाह ऐसा भी जैसी फिल्मों से बड़े पर्दे पर अपना अनूठा स्थान बनाने वाले शशि सुमित जी और उनके प्रोडक्शन हाउस शशि सुमित प्रोडक्शंस को कौन नहीं जानता। अपने कार्यक्रमों में सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। शशि जी मूलतः किशनगढ़ के रहने वाली हैं और उनकी शिक्षा अहमदाबाद में हुई और वहीं पर उनकी शादी सुमित जी से सन 1992 में हुई। शशि और सुमित जी दोनों ही टीवी इंडस्ट्री में बतौर लेखक काम करते थे और उनका पहला प्रोडक्शन का मौका दिया स्टार प्लस ने। अपने पहले सीरियल सिंदूर में ही उन्होंने दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी और तब से अब तक सफलता का सिलसिला चलता ही रहा और चलता ही रहेगा। अपने सफल और सांस्कृतिक सिलसिले को अब भी वो आगे बढ़ा रहे हैं। स्टार प्लस पर दिया और बाती, जी टीवी पर पुनर्विवाह के साथ, जबकि सोनी टेलीविजन के माध्यम से उनका कार्यक्रम दिल की नजर से खूबसूरत अब खूबसूरती के नए पैमाने निर्धारित कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि किन्हीं कारणवश वो आज हमारे पास यहाँ इस कार्यक्रम में नहीं सम्मिलित हो पाई हैं, तो मैं निवेदन करती हूँ नीली जी से कि वो उनके बिहाव पे आकर ये गौरव एक्सेप्ट करें। दोस्तों ज्वेल ऑफ राजस्थान अवार्ड्स की